हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज की वीडियो हम करेंगे क्लास 9th मैथ का सैम्पल पेपर जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट जो कि आपका स्कोरिंग होने वाला है आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में, और जो सैम्पल पेपर आया है उसका सॉल्यूशंस में भी आपको ना मिला हो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 के बीच में इरेशनल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी निकालने में। क्योंकि रेशनल नंबर तो आप निकाल लेते दोनों नंबर के बीच में, लेकिन इरेशनल नंबर किस तरीके से निकालेंगे अगर मान लो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ जाए तो। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो आपका सेक्शन सी का है 39 और 38, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला का, हीरेंस फॉर्मूला का इसमें इस्तेमाल करना, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 35 और 36 का भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ इसका भी आंसर आपको मोस्टली कहीं नहीं मिला होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके इस पेपर में। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। और अगर हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो वन बाई वन सारे क्वेश्चन को और उनके सारे आंसर्स को विद डिटेल में। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कम समय लेके आपको ज़्यादा क्वेश्चन तक बता दूँ ताकि आप आराम से अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सके। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 27 की, जहाँ पे रूट 2 और 3 के बीच में आप परिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो ये कैसे निकालेंगे। सो जैसा कि आपको पता है कि अगर रेशनल नंबर मान लो 2 और 3 के बीच में दिया होता तो आप क्या करते, दोनों नीचे 1 बाय 1 लिखते और 5 वैल्यू निकालनी तो उसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपकी 2 वैल्यू निकल जाती। जैसे यहाँ आ जाता 12/6 और यहाँ आ जाता 18/6, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू हमारी 13, 14, 15, 16, 17 हो जाती, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ही आपकी रूट 2 और रूट 3 है। तो इसको निकालने के लिए आपको रूट 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए और रूट 3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप इसकी बीच की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू है उसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक जो पहली वैल्यू होगी एक्स प्लस प्लस माइनस वाई करना है आपको, एक्स प्लस माइनस वाई यानी 2 को ऐसे टुकड़ों में कन्वर्ट करना कि पहली वैल्यू आपका परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरी आपकी नॉन परफेक्ट हो। तो ये फॉर्मूला है x प्लस माइनस वाई होना चाहिए। फिर आपका फॉर्मूला बनता है अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसे आप आराम से लिख लीजिएगा। तो अगर मैं 2 को फैक्टर बनाऊँ तो 2 का फैक्टर आपका क्या बनेगा, 4 माइनस 2 कर सकते हो, क्योंकि 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है और जो 4 से 2 माइनस करोगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो अंडर रूट 4 के और 2 हो जाएगा वैल्यू, प्लस वाई की वैल्यू आपकी 2 रह जाएगी। और अगर 2 और अंडर रूट यहाँ पे एक्स की जगह 4 रखे पुट करें तो आपका आ जाएगा 2 बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 बाहर है और एक्स की वैल्यू 4 होगी तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई 4, अब इसे काटोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1.5। तो इसको इस तरीके देखो, अंडर रूट 4 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 4 माइनस 2, इसलिए अब y की वैल्यू थी 2 और 2 अंडर रूट x की वैल्यू यानी 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 2 माइनस 1 बाई 4। तो 1 बाई 4 का मतलब कितना, सॉरी 2 बाई 4 का मतलब कितना है, 0.5 हो जाएगा। तो 2 में से अगर 0.5 आप माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी। तो अब इसका मतलब आपकी रूट 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 आ गई। ऐसे रूट 3 की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 माइनस 1 करेंगे, तो फॉर्मूला आपका वही अंडर रूट एक्स यानी आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस किया तो माइनस का वैल्यू, वाई की वैल्यू आपकी 1 है और 2 अंडर रूट एक्स का मतलब है 4, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 बाय ये हो जाएगा आपका 4। तो 1 बाय 4 का मतलब है 0.25 माइनस करेंगे 2 में से तो आपका 1.75 आ जाएगा। तो यानी दोनों वैल्यू आ गई, अब इन दोनों वैल्यू के बीच में आपको वैल्यू निकाल लेनी है 1.5 और 1.75, इन दोनों के बीच में वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है रूट 2 की वैल्यू, रूट 2 की वैल्यू आ रही थी आपकी अप्रॉक्स 1.5 और रूट 3 की वैल्यू आ रही थी 1.7, तो इन दोनों के बीच में आपने 3 रेशनल नंबर निकाल देने, इस तरीके से लिख देना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला दर्शाइए है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के समान हो तो त्रिभुज समकोण होगा। सो दैट इफ द एंगल सम ऑफ द 2 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड
देन ट्रायंगल इज द राइट एंगल, कह रहा है एक ट्रायंगल है मान लो, और अगर दो ट्रायंगल का सम मान लो x और ये दो वैल्यू है, अगर इन दोनों को सम करें यानी प्लस करें तो ये जो तीसरी वैल्यू आएगी वो 90 होगी, ये आपको प्रूफ करना है। और यहाँ पे ये गिवन है कि दो जो एंगल है, जैसे मान लो ये एंगल ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, ये भी इसने गिवन दिया हुआ है। तो इसके आंसर को देखते हैं, बहुत ही ईजी आंसर है आपका इसका। तो सबसे पहले क्या करना है ना, मान लेना कि कोई एक ए बी सी ट्रायंगल है जहाँ पे थ्री एंगल दिया हुआ है ए बी सी, और अगर एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो आपका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये हमने जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और गिवन क्या था कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द थर्ड, कि दो कोणों का योग किसका है, तीसरे के बराबर, ये हमें गिवन था। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख देना, सी लिख देना। तो ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो ए बी सी कितना था, 180 था, और यहाँ पे गिवन है ए बी किसके बराबर है, सी के, तो ए बी जगह क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2c इक्वल टू में 180 हो जाएगा, सी और सी कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आप इधर रखना और 2 क्या हो जाएगा, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। और यही आपको प्रूफ करना था कि जो तीसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, राइट एंगल होगा। राइट एंगल क्या मतलब, 90 डिग्री का होगा। तो ये इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35। यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें पी क्यू पी आर के बराबर है, एम आर एम क्यू के बराबर है। सिद्ध करना है कि आपको पी क्यू एम जो है, पी क्यू एम यहाँ कंसिडर कर लीजिएगा, पी क्यू एम जो है किसके बराबर, पी आर एम के। तब इन्हीं दोनों ट्रायंगल में ले लेना, पी क्यू एम और पी आर एम, ये दो ट्रायंगल में ले लोगे आप, जहाँ पे दो चीज़ें आपको गिवन है, पी क्यू पी आर के बराबर है, एम क्यू एम आर के बराबर है। एक वैल्यू हो जाएगी तुम्हें तुम्हारी पी एम, पी एम क्या हो जाएगा, दोनों को दोनों के अंदर कॉमन हो जाएगा, यानी ओवेनिस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे दो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे बाय प्रॉपर्टी एस 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 से। तो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी का क्या कहता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा कोई तो उसके सारे एंगल और साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो पी आर एम और पी क्यू एम और पी आर एम हो जाएगा बाय सी पी सी टी इक्वल हो, दिखा देना। देख लो आप यहाँ पे, ये सॉल्यूशन आपका, यहाँ पे आपको ये गिवन था पी क्यू पी आर के बराबर, एम क्यू एम आर के बराबर। प्रूफ करना है पी क्यू एम और पी आर एम इक्वल है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल में मैंने लिया पी क्यू एम और पी आर एम में, यहाँ पी क्यू पी आर गिवन था और एम क्यू एम आर गिवन था, ये दिया हुआ है तुम्हें, और दोनों ट्रायंगल में पी एम क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तुम्हारा एस एस एस, और जो प्रूफ करना था वो सी पी सी डी क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका आंसर था 35 का, बहुत ईजी आंसर है इसका। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, कह रहा है आकृति में यदि पी आर ओ आर पी क्यू एस तथा किरण ओ टी क्यू एस को समद्विभाजित करता है तथा ओ आर ओ टी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू पी ओ क्यू क्या है, एक लीनियर है, यानी आपको लीनियर को लीनियर प्रूफ करने के लिए आपको ये 180 का दिखाना पड़ेगा, चार कोणों का योग। तो अगर इस इमेज में देखें तो इस इमेज में क्या दिख रहा है कि ओ आर जो है बाइसेक्टर है पी ओ एस के और आर ओ एस के, तो ये दोनों इक्वल दिखा देना कि आर ओ बाइसेक्टर है किसका, पी ओ एस का, तो एंगल एक बराबर किसके होगा, दो के। ऐसे ही ओ टी जो है बाइसेक्टर किसका, एस ओ टी का है और टी ओ क्यू का है, तो ओ टी बाइसेक्टर दिखा के एस ओ टी और टी ओ क्यू इक्वल दिखा देना। देखो मैंने दिखाया हुआ है, सबसे पहले मैंने ओ आर बाइसेक्टर दिखा रखा पी ओ एस का, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, पी ओ आर और एस ओ आर। ऐसे ही ओ टी बाइसेक्टर दिखा रखा है एस ओ क्यू के, तो क्यू ओ टी और एस ओ टी इक्वल हो गया। और एक ट्रायंगल पी ओ क्यू में लोगे तो चारों कोणों क्या कर दोगे, चारों कोणों को इक्वल करके, जब ट्रायंगल पी ओ क्यू में लोगे तो पी ओ एस आर ओ एस एस ओ टी और टी ओ क्यू, तो चारों कोणों इक्वल दिखा देना। अभी हमने देखा था कि जो पी ओ क्यू और पी आर ओ एस क्या इक्वल है, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, पी ओ क्यू जो आर ओ एस। ऐसे ही पी ओ क्यू और एस ओ टी क्यू था इक्वल था, तो उसकी जगह मैंने एस ओ टी लिख दिया। अब दोनों का एंगल कितना हो गया, यहाँ से 2 आर ओ एस हो गया, यहाँ से 2 एस ओ टी हो गया, तो 2 इंटू में आर ओ एस और एस ओ टी। और इधर रखा था दोनों आर ओ एस और एस ओ टी, इधर रखा था आर ओ टी, दोनों मिला के देखो इमेज देखते हैं एक बारी, आर ओ एस ये आर ओ एस और एस ओ टी मिला के कितना हो गया, आर ओ टी हो गया। और आर ओ टी कितना दे रखा था तुम्हें, 90 डिग्री का दे रखा था, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बस हम वहाँ पे। मैंने आर ओ टी की जगह कितना लिख दिया, 90 लिख दिया, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू आपका कोलिनियर हो जाएगा। तो ये इसका सिंपल सॉल्यूशन था, आप इसे स्क्रीनशॉट करके आराम से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बस हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम के लिए क्या करना है, आपको एक बार चार्ट बनाना है, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, इधर ले लेना आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इधर ले लेना हाइट। हाइट आपको क्या करना है, जीरो से तो स्टार्ट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बीच में आपको किंक लेना पड़ेगा, और यहाँ से 130 140 150 इस तरीके से आपको शो करना। तो 130 से 40 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ 8 की वैल्यू पुट कर देना, मान लो ये 2 है ये 4, इधर वैल्यू लेना 2 4 6 8,
इस तरीके से 40 से 50 के बीच में कितना है 18 है, तो 18 की वैल्यू लेके ऐसे पुट कर देना है। इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा चिपका हुआ, तो इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम रेडी हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको किंक लेना है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जीरो से शुरू नहीं हो रही है, इसलिए तो बीच में ये किंक बना देना छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में आपको क्या करना है, एरिया निकालना है सीडेड रीजन का। तो आपको पता है जो हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका S S-A S-B S-C, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसलिए आपको पहले S निकालना पड़ेगा, फिर S-A, फिर S-B, फिर S-C। लेकिन यहाँ पे आपको दो वैल्यू की बने, A की बने हैं मान लेते हैं, B की बने हैं, आपको ये वाली वैल्यू AB की वैल्यू की बननी है। लेकिन यहाँ पे आपको ये राइट एंगल दिया हुआ है, तो पहले इस राइट एंगल के बेस पे आप सबसे पहले आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगा देना है। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। पी आपका गिवन है 5, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और बी स्क्वायर रखा है 112, 12 का हो जाएगा 144। दोनों को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 169। एच बराबर में 169 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। तो अब आपकी इसकी वैल्यू होगी 13, तो ए बी सी आ गया है, ए आपका 13 हो गया, बी आपका आ गया 15, और सी आ गया आपका 14। यहाँ से आप एस निकाल लेना, तीनों को प्लस करोगे तो अराउंड आ जाएगा आपका, तीनों को प्लस कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपको उसको करना है, दो से डिवाइड देना है, तो आपका S आ जाएगा। S के बाद आपको S-A निकाल लेना है, फिर S-B निकाल लेना, फिर S-C निकाल लेना है, और उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। और 39th का और करके दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका 14.2 का, तो उसमें 14.2 या 3 का है देख लीजिएगा। उसमें इसमें भी आपको तीन साइडें दे रखी है, ABC, तो A की बने, B की बने, C की बने। यहाँ से आपको क्या करना है, पहले आपको S निकाल लेना, पेरीमीटर 60 प्लस 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, सॉरी 140 हो जाएगा। तो यहाँ से दो से डिवाइड दो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। S कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 आने के बाद आपको S-A निकालना है, यानी 70 माइनस 60 करोगे 10 आ जाएगा S-A। ऐसे ही S-B करोगे 70 माइनस 60, तो ये भी 10 आ जाएगा। फिर S-C करोगे तो आपका 70 में से 20 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यानी इस तरीके सारी वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले में पुट कर देना है वैल्यू, और आपका एरिया आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे एरिया आएगा वो आपका एक रीज़न का आएगा, ध्यान रखिएगा, जो भी एरिया आएगा वो एक रीज़न का आएगा। उसमें लिखा हुआ 10 जो ट्रायंगुलर पीस है वो कितने हैं, 10 हैं। तो जो भी एरिया है उसको 10 से क्या कर देना, आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर भी निकल के आ जाएगा। आप कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको इसका आंसर भी अपने PDF के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। सो मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में यहाँ पर कवर करूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।